दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बेलिस पी के बारे में। दोस्तों बेलिस पी के कीनोट सिम्टम्स के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कीनोट सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर बेलिस पी का चुनाव किया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों बेलिस पी लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। इसके जो भी अफेक्शन होते हैं वो बाईं तरफ होते हैं, साथ में इसके अंदर में सोरनेस बहुत ज़्यादा होती है अफेक्टेड पार्ट में। जो भी पार्ट होता है उसके अंदर सोरनेस, ब्रूज फीलिंग, जैसा कि आर्निका के अंदर भी पाया जाता है, वो बहुत इसके अंदर में होता है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों कि जब भी पेशेंट ओवर हीटेड हो और उसके बाद में ठंडे पानी से नहा ले तो उसके बाद के जो कंप्लेंट्स होते हैं उसमें बेलिस पी बहुत काम करता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अंदर से हीट हो, धूप से आए हों और ऊपर से अगर हमने आइसक्रीम खा ली या ठंडा पानी पी लिया तो उसके बाद के जो अफेक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवा है बेलिस पी। चौथा इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों सोरनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। जो अफेक्टेड पार्ट होता है वह बहुत ज़्यादा सोर होता है, ब्रूज्ड होता है, पेनफुल होता है, सोरनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये इसका चौथा सबसे बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों। दोस्तों पांचवा इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि पेशेंट पहले ही जग जाता है 3 बजे के आसपास में, उसके बाद उसको नींद नहीं आती है। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि रात में नींद खुल जाने के बाद में फिर दोबारा नींद नहीं लगती है, और अगर ये टाइम 3 बजे का दोस्तों तो आप यकीन मानिए बेलिस पी से आपकी ये परेशानी बिल्कुल सही हो सकती है। छठा और लास्ट इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है दोस्तों कि अगर पेशेंट को इल इफ़ेक्ट हो, कहीं पर भी गिर जाने की वजह से, चोट लग जाने की वजह से, इंजरी हो, फॉल हो या कहीं ऊंचाई से गिर जाने की वजह से, तो उसमें जो तकलीफ़ होती है या फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से अगर स्पाइन में चोट लग जाए उसकी वजह से जो तकलीफ़ होती है, या सर्जिकल जो ऑपरेशंस होते हैं स्पाइनल या और किसी जगह के, तो उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद में अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उसमें क्या दिया जाए, तो उसके लिए बेलिस पी बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। और जितने भी मेजर सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके जो इल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल दवा है बेलिस पी। तो दोस्तों ये जो 6 सिम्टम्स हैं, ये 6 सिम्टम्स बेलिस पी के कीनोट सिम्टम्स हैं, और इनके आधार पर अगर आप दवा देते हैं तो डेफिनेटली आप मानिए कि आप किसी भी बीमारी को बहुत ही आसानी तरीके से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी जानकारी अपनों को बहुत बहुत पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।